चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है, दिल्ली से 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होगा। सरकार ने वैक्सीनेशन का ऐलान किया है। पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को टीका लगेगा। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण होगा, 50 साल से ऊपर के लोगों को भी टीका लगेगा। पहले चरण में गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को भी टीके लगेंगे। सोलह जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होगा। सरकार ने वैक्सीनेशन का ऐलान किया है। पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को ये टीका लगाया जाएगा। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण होगा, 50 साल से ऊपर के लोगों को भी टीका लगेगा। पहले चरण में गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को भी टीके लगेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, एक लंबा इंतजार वैक्सीनेशन का, अब 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होगा। बिल्कुल पूनम, एक बड़ी खबर पूरे देश के लिए कह सकते हैं, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना संक्रमित हुए हैं, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। लेकिन ये अच्छी बात है कि देश दुनिया के बाकी अगर बात करें तो उनके मुकाबले भारत बेहतर स्थिति में रहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक करके टीकाकरण की तैयारियों का जायजा लिया और उसके बाद 16 तारीख से कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू होगा। पहले ही मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में 2 चरणों में हमने देखा ड्राई रन किया गया था कि कैसे इससे टीकाकरण होगा, कहाँ से टीका पहुंचेगा, कहाँ से लॉजिस्टिक हब बनाए जाएंगे, कैसे उसका उपयोग किया जाएगा। तो करीब पहले 3 करोड़ हेल्थ केयर और जो फ्रंटलाइन वर्कर है उनको टीका लगाया जाएगा। इसके बाद जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है उन लोगों को टीके लगेंगे। और ऐसे लोगों की आबादी मतलब लगभग 27 करोड़ के आसपास है, जो राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार को डाटा भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण की तैयारी और कोरोना की समीक्षा की एक बैठक भी की थी, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी और तमाम बड़े अधिकारी वहां मौजूद थे। तो कह सकते हैं कि अच्छी बड़ी खबर जारी। जी मनोज जी, जिस तरीके से जो है ड्राई रन के लिए काफी तैयारियां की गई थी, अब वैक्सीनेशन शुरू होना है 16 जनवरी से, इसके लिए क्या कुछ विशेष तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, सारी तैयारी हमने देखा था कि पहला देशव्यापी ड्राई रन 2 जनवरी 2019 को हुआ था 74 जिलों में। ड्राई रन के जरिए वैक्सीनेशन के लिए सरकार की ओर से बनाया गया कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क का भी टेस्ट किया गया है। इसी के जरिए रजिस्ट्रेशन होगा जिनको टीका लगना है और रियल टाइम में ऐसे लोगों की ट्रैकिंग हो सकेगी। शुक्रवार को भी यूपी और हरियाणा छोड़कर देश के बाकी सभी 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राई रन किया गया था। कुल मिलाकर 736 जिलों में 3 सत्रों में ये ड्राई रन किया गया। तो एक एक चीजें देखिए, तैयारियां उसको लेकर परखी गई है कि कैसे क्या कुछ होना है, कितनी समय लगेगा, इन सबको देखते ही ये निर्णय लिया गया है। 16 तारीख को तारीख आ गई देश के लिए अहम, जिस दिन से सारे कोरोना वैक्सीनेशन की देश में शुरुआत हो जाएगी। देश के दुनिया के कई सारे देशों में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका शामिल है, ब्रिटेन शामिल है, इसमें इजराइल शामिल है और कुछ खाड़ी देशों के देश भी शामिल है। खास बात यह है कि ये जो कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है वो देश में बनी हुई वैक्सीन की लगाई जाएगी। जी शुक्रिया मनोज जी, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल एक अहम दिन 16 जनवरी कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होगा 16 जनवरी से, एक अहम जो है दिन होगा, क्योंकि एक लंबा इंतजार किया है पूरे भारत देश ने, तो अब वो इंतजार खत्म होगा, क्योंकि एक लंबी लड़ाई जो है कोरोना से भी हम लोग लड़ते आए हैं। काफी लोग कोरोना के कारण मौत के काल में समा चुके हैं, काफी लोग संक्रमित हुए हैं, लेकिन अब जिस तरीके से एक लंबी लड़ाई लड़ी है तो अब जीत की तरफ हम है। बिल्कुल कोरोना से जीत निश्चित है। अब वैक्सीनेशन जो है शुरू होगा 16 जनवरी से, तो एक अहम दिन है सभी के लिए।